उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही उचित इलाज मिले इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों के साथ एक अलग से बैठक भी की। दरअसल डिप्टी सीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के साथ दवाई स्टोर रूम और वार्ड रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, अस्पताल में रुकने, ऑपरेशन, दवाइयों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर अलर्ट दिखाई दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि हमने चिकित्सा सुविधा सभी को मिले इसको लेकर चिकित्सकों के साथ बैठक की है और कुछ मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की है। मुजफ्फरनगर जनपद में सभी लोग संतुष्ट मिले और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्टाफ और चिकित्सकों की भर्ती कराए जाने के आदेश दिए हैं। उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी को मिले, हमने चिकित्सकों के साथ अलग बैठक की है, मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की है और मरीजों से भी भेंट की है। मुजफ्फरनगर जनपद में सभी लोग संतुष्ट मिले हैं और सुविधाएं और बढ़ाए जाने के निर्देश हमने दिए हैं। चिकित्सकों की भर्ती के जाने के निर्देश दिए हैं और दवाइयों की उपलब्धता के आधार पर कहा कि लखनऊ से दवाइयां नहीं आती तो लोकल परचेज करके तत्काल दवाइयों को इंजाम करें। हर स्थिति में मुजफ्फरनगर जनपद के प्रत्येक मरीज को उच्च कोटि का इलाज देना है।